हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा। आप देख रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर किंग। इस नई वीडियो में हम IR ट्रांसमीटर, LED और फोटो ट्रांसिस्टर के बारे में सीखेंगे और इससे हम एक सिंपल सर्किट बनाएंगे जिससे हमको समझने में आसानी होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमारी स्कीमेटिक डायग्राम है। 5 वोल्ट सप्लाई हमने यूज़ की हुई है। ये IR ट्रांसमीटर है और उसके साथ हमने एक रेजिस्टर लगा के उसको ग्राउंड किया हुआ है। ये हमारे फोटो ट्रांसिस्टर है जो इसके ट्रांसमिट किए गए सिग्नल को रिसीव करेगा और आगे इस ट्रांसिस्टर के थ्रू इस LED को ऑन करेगा। ये ट्रांसिस्टर जो है 2N2222 NPN ट्रांसिस्टर है। ये IR रिसीवर का सिंबल है और ये इस तरह का होता है, बिल्कुल LED की तरह होता है। इसकी जो लॉन्ग लेग होती है वो कलेक्टर होती है और जो स्मॉल लेग होती है वो इमीटर होती है और जो ये सिग्नल रिसीव करता है वो बेस होती है। ये इस तरह का होता है। ये फोटो ट्रांसिस्टर है जिसे IR रिसीवर भी हम कहते हैं। ये देखिए, इसकी जो लंबी वाली वायर है ये कलेक्टर है और जो ये स्मॉल वाली वायर है ये इमीटर है और जो ये सिग्नल रिसीव करता है उसे हम बेस कहते हैं। ये IR ट्रांसमीटर है। इसकी जो लॉन्ग लेग होती है वो एनोड होती है और जो स्मॉल लेग होती है वो कैथोड होती है। इसके जो फॉरवर्ड वोल्टेज होते हैं वो 1.5 वोल्ट से लेके 1.6 वोल्ट तक होते हैं। ये ट्रांसिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ये उसकी पिन डायग्राम है। अगर हम ट्रांसिस्टर को इस तरह पकड़ें कि उस पर हमें इसका नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो उसकी जो पहली पिन होगी लेफ्ट साइड वाली वो एमिटर होगी, जो मिड वाली होगी वो बेस होगी और जो राइट साइड पर होगी वो कलेक्टर होगी। जी, हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ और हम इसको चेक करते हैं। जी, हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। आप देख रहे हैं कि LED जो है वो ऑन हो गया। अब मैं जैसे ही IR LED जो हमारा ट्रांसमीटर है और जो फोटो ट्रांसिस्टर है उसके दरमियान कुछ लेके जाऊँगा तो हमारा LED ऑफ हो जाएगा। आप देखिएगा, ये देखिए हमारा LED जो है वो ऑफ़ हो गया। अब मैं इसको हटाऊंगा तो हमारा LED ऑन हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया।